हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिज व्लॉगर पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वैसे आपको पता है कि मेरे चैनल पे अभी व्लॉग नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यू ये जो मेरा चैनल है यूक्रेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है। और अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हो और इस वीडियो पर पहली बार अगर आप लोग आए हो और अगर आप लोग चाहते हो कि आगे भी इस चैनल पे आते रहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, लेकिन पूरी वीडियो को देखने के बाद। अदरवाइज नहीं पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना और सब्सक्राइब मत करना। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो यूक्रेन आ चुके हैं इंडिया से अभी रिसेंटली, या फिर आने का प्लान बना रहे हैं, जिनका वीज़ा आ चुका है, जिनको पासपोर्ट मिल चुका है या जिनका वर्क परमिट निकल चुका है, उन लोगों के लिए, ठीक है। और जो यूक्रेन में बैठे हुए एजेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता हूँ, बाकी जिसको जो समझना है वो इंसान समझ सकता है। तो यूक्रेन में जितने भी एजेंट हैं या इंडिया में जितने भी एजेंट हैं जो यूक्रेन का काम कर रहे हैं, अब अगर कोई मुझे बोले कि भाई आप भी वही काम कर रहे हो, मैं बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे काम में और उनके काम में क्या फ़र्क है ये मैं आपको वीडियो में आगे ज़रूर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अब बात होती है कि भाई यूक्रेन आने का बेस्ट तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप लोग यूक्रेन क्यों आना चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है। यूक्रेन आ करके अगर आप लोग वाकई में स्टडी करना चाहते हो और MBBS की स्टडी अगर आप लोग कर रहे हो या हायर एजुकेशन अगर आप लोग लेना चाहते हो, चाहे वो PhD हो या मास्टर्स हो या बैचलर हो, तो आप लोग यूक्रेन आ सकते हो स्टडी के लिए। बाकी यहाँ पर अगर कोई बंदा लैंग्वेज प्रोग्राम पर आता है, कब उसकी TRC कैंसिल हो जाए उसका हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एजेंट ऐसे भी बैठे हैं, बहुत से एजेंट। अभी मैं यहाँ पे काफ़ी एजेंट से मिला हूँ जिन्हें इंडिया से आए हुए तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने हुए हैं, और आए थे वो एज ए स्टूडेंट यहाँ पे। और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में जब मैं इंडिया में था तब भी मैंने जिक्र किया था, इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट थे ऑलमोस्ट सबकी TRC कैंसिल हो चुकी है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे इलीगली भी रह रहे हैं, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, जो उनका स्टडी वीज़ा था वो ख़त्म हो गया है। कुछ लोगों की TRC भी बन गई थी लेकिन वो कुछ दिनों के बाद कैंसिल हो गई, तो उनका TRC सिर्फ एक प्लास्टिक का कार्ड बन के रह गया है। तो वो अगर यहाँ पे ओवर स्टे कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूक्रेन में काफ़ी लोग करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है यहाँ के रूल के अकॉर्डिंग। अगर वो पकड़े जाते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग जो अभी यहाँ का रूल है, जो भी पनिशमेंट है या जो भी फ़ाइन है, वो तो खैर होना तय है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो यूनिवर्सिटी ब्लैकलिस्ट क्यों हुई। कई उसके कई रीज़न सुनने में आए हैं, कुछ र्यूमर्स भी हो सकते हैं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। सुनने में आता है कि उसके कुछ स्टूडेंट यहाँ से इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड जाना चाहते थे, सैनगन जोन में एंट्री लेना चाहते थे, वो वहाँ पे पकड़े गए और उसके बाद जो है उनकी TRC कैंसिल हुई, जिस एजेंट के वो थ्रू आए थे, जो यहाँ के एजेंट थे, जो इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के साथ जिनका टाइप है, एक बहुत बड़ा यहाँ का एजेंट है, नाम उसका भी मैं एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, उसे भी मैं पर्सनली जानता हूँ काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा ही, और उसके बाद में वहाँ के जितने भी, अब चक्कर ये है कि कुछ बेचारे लोग यहाँ पे जेन्युइन इंटेंशन से पढ़ने भी आए थे, तो गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। तो वही हुआ, जो सही स्टूडेंट थे उनकी TRC भी कैंसिल हो गई। तो ऐसे में अब उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो फिर वर्क परमिट अगर उन्हें लेना है तो कंट्री एग्जिट करनी ही पड़ेगी। अगर कोई बोलता है कि आपकी TRC कैंसिल होने के बाद सेम पर्पज़, यानी कि सेम अगर एजुकेशन पे हो आप लोग, अगर लैंग्वेज कोर्स को ही कंटिन्यू करना चाहते हो दूसरी यूनिवर्सिटी से, उसके लिए आपको नया वीज़ा चाहिए, नई TRC चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी फिर यहाँ पर इलीगल हो गए हो। जो TRC थी वो तो आपकी कैंसिल हो चुकी है, तो यहाँ पर रहने का कोई बेस नहीं है। तो ऐसे में कंट्री एग्जिट तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं तो सर हमारी TRC कैंसिल हो गई है, क्या हमें कंट्री एग्जिट नहीं करना पड़ेगा? तो बिल्कुल करना पड़ेगा, आपको यूक्रेन का बॉर्डर एग्जिट करना पड़ेगा और री एंट्री लेनी पड़ेगी लीगल तरीके से। तो सीधी सी बात है, अगर आप लोग यूक्रेन आ रहे हो, अगर आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में हो और अगर आपको यूनिवर्सिटी चेंज करनी है या प्रोग्राम चेंज करना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपकी TRC वैलिड है। अगर TRC कैंसिल हो जाती है तो फिर जिस बेस पे आप यहाँ पे आए हो बेस ही नहीं है, तो वो बिल्डिंग तो गिर गई, तो वो बात है। तो ऐसे में कंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। और हाँ, स्टडी वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होता है बिना कंट्री एग्जिट के, ना ही वर्क परमिट कन्वर्ट होता है स्टडी वीज़ा में। कभी भी यूक्रेन आने का पर्पस चेंज नहीं हो सकता है। हाँ,
अगर आप लोग यहाँ पे किसी और की कंपनी के वर्क परमिट पे हो और अगर आप लोग अपनी कंपनी फॉर्मेशन इधर कर रहे हो, उसके बाद आपको कंट्री एग्जिट नहीं करना पड़ेगा। इमिग्रेशन को एक मेल किया जाता है यहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें 50-50 है। इमिग्रेशन के पास मेल किया जाता है कि भाई ये बंदा यहाँ पे इस कंपनी के वर्क परमिट पे था, अभी इसने खुद की कंपनी फॉर्मेशन कर लिया है, ये इसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये इसका वर्क परमिट नंबर है, वो आप लोग जो है अपडेट कर दो। उसके बाद लेकिन उसको जो TRC है वो रीअप्लाई करना पड़ेगा। TRC नहीं बनती है, पहले वाली TRC जो है वो कैंसिल हो जाती है। जिस दिन नई TRC बनती है, अप्लाई होती है, जिस दिन वो रिसीव करता है, उस दिन पिछली TRC कैंसिल हो जाती है। तो ये यहाँ का लीगल तरीका है, लीगल रूल है। बाकी भाई यहाँ पे ब्राइब्स दे करके या इंडिया में ब्राइब्स दे के आप कुछ भी करा लो, कुछ भी होता होगा, वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रूल एंड रेगुलेशन है वो मैंने आपको बता दिया। अब जो दूसरी बड़ी बात है कि काफ़ी ऐसे वीडियोज़ हैं मैं देख रहा था जिनमें ये बोला जाता है कि आप यूक्रेन आइए, आपको 2-3 महीने में यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बेस पे आपको PR मिल जाएगी, परमानेंट रेजिडेंसी, और 1 साल के अंदर अंदर पासपोर्ट मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यूक्रेन में पासपोर्ट लेने के जो जो तरीके हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, जो लीगल तरीके हैं, और यही लीगल तरीके हैं, और इसके अलावा कोई इलीगल तरीका भी नहीं है। हाँ, जो लीगल तरीके हैं इनमें कुछ आप पैसे वैसे दे के, ब्राइब्स वगैरह दे करके अगर कुछ करवा पाते हो, कोई एजेंट अगर करवाने का दावा करता है तो मे बी वो हो जाए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका, हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। पहला तरीका, आप यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन करो। कंपनी फॉर्मेशन के बेस पे कभी यूक्रेन की PR नहीं मिलती है। तो अब आप लोग बोलोगे कि कंपनी फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ। कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद आप लोग उसी फर्म के नाम से जो कंपनी है, जैसे हम इंडिया में करंट अकाउंट खुलवाते हैं, उस तरह यहाँ पे अपना करंट अकाउंट खुलेगा। ठीक है, करंट अकाउंट खुल जाता है आपका। उसके बाद में आपको करना है $1,00,000 इन्वेस्टमेंट। $1,00,000 जो है आपको उस बैंक में, उस अकाउंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ के रियल एस्टेट में करो या एग्रीकल्चर में करो, किसी में भी आप लोग करो। कुछ ऐसी स्पेसिफिक फील्ड हैं जिनमें फॉरेनर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बिजनेस में $1,00,000 इन्वेस्ट कर दो। तो यहाँ का जो लॉयर होगा आपका, वो आपको इसके बारे में बेटर तरीके से गाइड कर सकता है। तो बात यह है कि $1,00,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो कंपनी फॉर्मेशन के बाद, जेन्युइन तरीके से अगर वाकई में बिजनेस कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे सबसे जल्दी जो है प्रायोरिटी मिलती है पासपोर्ट मिलने की और PR मिलने की। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड, सो दूसरा तरीका है PR लेने का, वो है यहाँ पे अगर आप किसी यूक्रेनियन से शादी करते हो। ठीक है, खैर वो तो प्राय दुनिया में हर कंट्री में है, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ दें, जैसे मिडिल ईस्ट में कुछ कंट्रीज अगर छोड़ दिया जाए तो, बाकी हो जाता है यहाँ पे। तीसरा है चाइल्ड अडॉप्ट करो। अगर आप लोग किसी यूक्रेनियन कपल का अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट करते हो तो आपको यहाँ की PR मिल जाती है। ये 3 तरीके हैं जो लीगल हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चौथा तरीका भाई पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इंडिया के जो एजेंट के वीडियो देख रहे हैं, चाहे यहाँ के जो देख रहे हैं, अगर कोई लीगल तरीका इसके अलावा है तो ज़रूर आप लोग बताना। मैं थैंक यू बोलूँगा आप लोगों को, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। चलिए अब इसके अलावा बात कर लेते हैं भाई, जो लोग मुझे डेली मैसेज करते हैं कि सर हम अगर यूक्रेन आएंगे तो सैलरी क्या होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, बाकी एजेंट जो काम कर रहे हैं, काम मेरा भी वही है, लेकिन फ़र्क क्या है वो जानना ज़रूरी है और वो बताना भी ज़रूरी है, ताकि कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि आप में और हमारे में क्या फ़र्क है। तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि अब मैं एक एक बंदे को तो अलग से नहीं समझा सकता। फ़र्क ये है भाई कि मैं जिनकी भी वर्क परमिट अप्लाई करवाता हूँ, कंपनी फॉर्मेशन करवाता हूँ, क्लियर कट उनको बोल देता हूँ, इधर आने के बाद मेरा काम आपकी TRC बनवाना, आपका एड्रेस रजिस्ट्रेशन करवाना है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो मैं शॉर्ट आउट करूँगा, आपकी मैं हेल्प करूँगा, लीगल एडवाइस जो भी चाहिए, जो भी सर्विस चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। इधर आने के बाद ना आपको गाड़ी दिलवाने की, अगर आपको टैक्सी चलाना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ना आपको रहने के लिए मैं अपने यहाँ जगह दे सकता हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कहाँ Airbnb है, booking.com है, hostelworld.com है, इसके अलावा लाखों ऐसी इंटरनेट पे वेबसाइट्स मौजूद हैं जिन्हें आप लोग चेक कर सकते हो, हॉस्टल, होटल या पूरा अपार्टमेंट, या OLX है उस पर भी, OLX.UA यानी यूक्रेन की वेबसाइट है, OLX हर जगह चलता है, उस पर भी आप लोग अपार्टमेंट, होस्टल या शेयरिंग में आप लोगों को अगर बेड चाहिए, बेड स्पेस जिसको बोलते हैं, जो चाहिए वो मिल जाएगा।
लेकिन आपको वो खोजना पड़ेगा। हाँ, नया बंदा अगर आ रहा है, अगर आप बोलोगे कि आप हमारी बुकिंग करवा दो, मैं आपकी बुकिंग भी करवा दूंगा, पेमेंट भी आप लोग उधर कर देना, मैं आपकी बुकिंग सिर्फ एक या दो दिन की करवाऊंगा। क्योंकि लोगों को, कुछ एजेंट को ऐसा भी लगता है, कुछ लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई वहाँ उसने इतनी पेमेंट, कम पेमेंट दिया है और हमसे ज़्यादा ले लिया है, इसीलिए मैं सिर्फ एक रात के लिए आपकी बुकिंग करवा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वहाँ पर स्टे करो, उसके बाद आपको अगर वहाँ रहना है तो रहो, अदरवाइज आप लोग जहाँ जाना चाहो आप लोग जा सकते हो। ठीक है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस पर, अगर आप लोग जहाँ मर्जी रहो यूक्रेन आने के बाद। और उसके अलावा काम की, हाँ, गाड़ी रेंट कहाँ से होगी, कैसे होगी, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता सकता हूँ, और ये भी बता सकता हूँ कि कौन सी गाड़ी लेना सही है, नहीं है, किस तरह से काम करना है। उबर की आईडी चाहिए वो भी मिल जाएगी, बॉल्ट की, उकलोन तक की आईडी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन वो फिर आप लोग काम करो ना करो, गाड़ी आप चलाओ ना चलाओ, टैक्सी अगर आप लोग लेते हो, इन केस अगर कुछ से मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई रूल ब्रेक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है भाई, गाड़ी डैमेज हो जाती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि गाड़ी आप चला रहे हो, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। ये नहीं कि इधर आने के बाद सर जॉब दिलवाओ आप हमें, भाई मेरे पास अगर कोई पूछेगा कि सर वर्क परमिट पे आ रहा हूँ, सैलरी कितनी है, भाई ज़ीरो सैलरी है, मैं आप लोगों को वर्क नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करवा सकता हूँ, कंपनी फॉर्मेशन करवा सकता हूँ, आप लोगों को आने के बाद इधर मैं गाइड कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ, बाकी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। और बाकी जितने भी एजेंट हैं इंडिया में, मुझे नहीं लगता है अगर कोई बंदा मेरा वीडियो यूक्रेन से भी देख रहा है, अगर कोई रिसेंटली आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या उनको जो एजेंट ने प्रॉमिसेस किए थे इंडिया में, जो उम्मीद उनको जताई थी, क्या वो इधर आने के बाद फुलफ़िल हुई। 100 में से सिर्फ 2 या 1 बंदे की पूरी होती है, जैसा एजेंट बोलता है कि आपको 800 यूरो सैलरी मिलेगी, 1000 यूरो मिलेगी, फूड पैकिंग का काम होगा, डिलीवरी का काम होगा, काम भले ही सारे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको वो काम मिले ना मिले इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है। यहाँ पहुँचने के बाद जो करना है वो आपने करना है, बस फ़र्क इतना है कि एजेंट बताते नहीं हैं इंडिया में जो बैठे हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं, और मैं क्लियर बता देता हूँ ताकि आने के बाद वो बर्डन मेरे ऊपर ना बने। जब तक आप लोग यूक्रेन में रहो या मैं जब तक यूक्रेन में हूँ, आपका और मेरा रिलेशन कभी ख़राब ना हो। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं जो मैं उनको बोल के बुला रहा हूँ, वही काम मैं उनके साथ करूँ, तो फेक प्रोमिसेस मैं कभी किसी से नहीं करता। जो बात है वो क्लियर है, चाहे वो बुरी लगे या सही लगे। किसी को अगर यूक्रेन आना है तो भाई वेलकम, यूक्रेन मेरा तो है नहीं, खुला है आप सबके लिए। आने के बाद अगर आपको यूक्रेन पसंद नहीं आता है, मैं इसमें आपको पैसा भी रिफंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, जिस पे मैंने यहाँ की रियलिटी दिखाया है, ये फैक्ट वर्सेस रियलिटी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद डिसाइड करो यूक्रेन आना है नहीं आना है। काम करना है, टैक्सी चला के अर्निंग करने वाले बंदे यहाँ पे $1500 भी कमा रहे हैं। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं भाई टैक्सी में कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ बोलेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा है, कुछ बोलेंगे डिलीवरी का काम अच्छा है, कुछ बोलेंगे कॉल सेंटर का अच्छा है। ये आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है कि आपने इधर आने के बाद क्या करना है, क्योंकि हर बंदा एक अलग चीज़ के लिए बना होता है, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता है। तो उसी तरह सेम यूक्रेन में अगर आप लोग यहाँ पे आने के बाद आपकी कमांड अच्छी है लैंग्वेज पे, अगर आप लोग यहाँ की लैंग्वेज सीख लेते हो, उसके बाद जैसे यहाँ के सिटीज़न हैं, यहाँ के लोग हैं, उसी तरह आप भी यहाँ पे वर्क कर सकते हो, यूक्रेन को एंजॉय कर सकते हो। और अगर भाई ज़बान भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है, और गूगल मैप भी चलाना आपको नहीं आता है, नेविगेशन यूज़ करने भी नहीं आता है, तो ना आप टैक्सी चला सकते हो, ना फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो, ना कंस्ट्रक्शन का कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी अगर आपको यहाँ का यूज़ करना है, गूगल मैप आना चाहिए। तो आप लोगों में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, इतनी समझदारी होनी चाहिए कि भैया आप यूक्रेन आ रहे हो, इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा रहे हो। तो मेक श्योर कि इन सब चीज़ों से फ़ाइट करने के लिए आने के बाद यहाँ पे आप लोग प्रिपेयर होकर के आओ, ठीक है। भले ही इस वीडियो में, मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये वीडियो बुरी लगी होगी, कुछ लोग डिमोटिवेट हुए होंगे, बट भाई रियलिटी है, ये सच्चाई है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई आप क्या कर रहे हो फिर यूक्रेन में, तो भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी किसी से ये कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है या ये काम चाहिए वो चाहिए, नहीं, मैं जो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरी है, अपने लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बंदा अगर यहाँ पे यूक्रेन आता है तो इसी तरह से आए, आने के बाद उसे जो करना है वो करे, वो घूमे फिरे,
वो काम करे ना करे वो वापस इंडिया जाए, लेकिन जो पेमेंट है वो उसकी जो है वापस नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं ये बोल के नहीं बुला रहा हूँ कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी और फिर मैं आपके साथ जो है चीट करूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आपको यूक्रेन आना है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और नहीं आना है तो भी अच्छी बात है। और अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ यूक्रेन आना चाहता है तो एक बार ये वीडियो आप लोग उसको भी ज़रा दिखा देना, मे बी माइंड चेंज हो जाए उस बंदे का, फिर शायद वो ना आए। और बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं कि सर मैं सऊदी से रिटर्न हूँ, दुबई से रिटर्न हूँ, मैं यहाँ से रिटर्न हूँ, वहाँ से रिटर्न हूँ, इतने साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, ये मेरा रिज्यूम है, ये मेरा CV है, सर प्लीज़ जॉब लगवा दो। तो भाई मैं नहीं लगवा सकता आपकी जॉब, सॉरी मैं नहीं लगवा सकता। आप लोग भले ही कुछ भी करते हो, जो आपका बैकग्राउंड रहा हो, पास्ट रहा हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। जॉब आपको खुद इधर देखना है इधर आने के बाद, क्योंकि मैं जो चार्ज करता हूँ बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, पूरे यूक्रेन में पूरे इंडिया में वो प्राइस आपको कोई नहीं देगा। प्राइस वगैरह अगर आपको जानना है तो आप लोग व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो, और अगर अब आपको यूक्रेन आना है तो वेलकम। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।